हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब क्लास बजरंगी क्लास में। तो आज हम इस वीडियो में एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। इसके पहले हमने एक मेथड पढ़ा था जिसे हम लोग लैंड्सबर्ग मेथड कह रहे थे, और उसमें हम लोगों ने इसके बारे में जाना था जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम लोग डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका होता है अब बात आती है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब इसका क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से लोअर रहता है। मतलब जो सॉल्यूशन कंटेन किया होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट का उसके मुकाबले बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसके कारण कहा जाता है कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं जो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है वहाँ पर, उसमें जब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर हायर हो जाता है, तभी कहा जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी एस माइनस टी नॉट या टी ज़ीरो, जो भी। ठीक है, जहाँ पे टी एस टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का है, और टी नॉट जो है, टी ज़ीरो जो है वो प्योर सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर है उसका। ठीक है, अब इसको हमने आप एक्सपेरिमेंटली आई होप आपने पढ़ रखा होगा, तो आज हम इसका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। लैंड्सबर्ग मेथड तो हो चुका, और हम सेकंड मेथड की ओर जाएंगे, कॉटल्स मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है चलिए देखते हैं कॉटल्स मेथड को, साथ साथ में इसका फिगर हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो जैसा कि लैंड्सबर्ग मेथड है, अब यहाँ पर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो लैंड्सबर्ग मेथड था उसमें जो अगर हम जो बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिटरमाइन हो रहा था वो नियरली 0.1 डिग्री जो था वो हायर बता रहा था। अब ऐसा हो क्यों रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो वहाँ पर थर्मोमीटर है वो डेप्थ में, मतलब हम कह सकते हैं जो लिक्विड के सरफेस के बिलो, मतलब थ्री या फोर सेंटीमीटर बिलो नापा जा रहा था वहाँ पे, और जबकि थर्मोमीटर हमारा उसके सरफेस के बिलो नीचे था, जिसके कारण उस पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा था, जिसके कारण वहाँ पर हमें हायर डिग्री 0.1 डिग्री जो है हायर नियरली हमें देखने को मिल रही थी, नियरली बात हो रही यहाँ पर। ठीक है, अभी तो इसकी हमें ज़रूरत इस कारण पड़ी, तो एक मेथड यहाँ पर एक सेटअप तैयार किया गया जिसमें मेज़रमेंट किया जा रहा था लिक्विड, जो हमारे पास लिक्विड सरफेस था उसके बिलो नहीं, इसके एबव, मतलब वहाँ पर कोई भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात नहीं की जा रही थी कि लिक्विड के सरफेस के डेप्थ में अब टेम्परेचर मेज़रमेंट नहीं हो रहा था, उसके एबव सरफेस के हम मेथड का यूज़ करके टेम्परेचर को मेज़रमेंट कर रहे थे। तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बॉइलिंग ट्यूब है। ठीक है, ये जो आपको आउटर सरफेस दिख रहा है वो बॉइलिंग ट्यूब है, जिसके यहाँ पर जो है ये स्ट्रीम ऑफ वेपर कह सकते हैं, और वेपर ऑफ लिक्विड यहाँ पर एक स्ट्रीम, क्योंकि यहाँ पर एक जो बॉइलिंग ट्यूब है वो प्योर सॉल्वेंट को कंटेन किए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इट कंसिस्ट ऑफ बॉइलिंग ट्यूब इन विच अ प्योर सॉल्वेंट इज टेकन। ठीक है, अब इसमें एक पीस ऑफ पोरस पॉट को रखा जाता है इस लिक्विड में, और इसके ऊपर एक इन्वर्टेड, इसके ऊपर जो है एक इन्वर्टेड फनल होता है जिसकी जो स्टेम है वो बेंट रहती है। ठीक है, ये इन्वर्टेड फनल है जहाँ पर ये जो स्टेम आपको दिख रही है वो इन्वर्टेड कह सकते हैं कि बेंट होती है इसकी स्टेम, और जिसके कारण अब जो थर्मोमीटर इसमें इसी बॉइलिंग ट्यूब में फिटेड रहता है। अब जैसा कि अरेंजमेंट आप देख पा रहे होंगे, अब जब इसको ग्रेजुअली हीटेड किया जाता है इस बॉइलिंग ट्यूब को, तो यहाँ से जो स्ट्रीम ऑफ वेपर है पास्ड होती है, और टेम्परेचर जो यहाँ पर, और एक जो बॉइलिंग ट्यूब है उसकी इस साइड पर एक कंडेंसर लगा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर
जब वेपर पास्ड होती है यहाँ पर, जिसके कारण वो थर्मोमीटर है जो मेजरमेंट कर लेता है। अब ये मेजरमेंट जो है अभी प्योर सॉल्वेंट के लिए हुआ है, और जब हम इसमें क्या करते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, उसके बाद फिर से ये प्रोसेस को रिपीट करते हैं, और प्रोसेस रिपीट करने के बाद हमें बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाता है सोल्यूशन का। जैसे कि यहाँ पर और लिखना कैसे है आप इस यहाँ पर देख सकते हैं। आई इन्वर्टेड फनल विथ स्टेम वेंट इज प्लेस्ड इन टू द बॉइलिंग ट्यूब सच दैट ओपनिंग स्टेम इज अबव ऑफ द सर्फेस ऑफ लिक्विड। मतलब जो इसका स्टेम होगा वो अबव सर्फेस, मतलब जो कह सकते हैं कि लिक्विड सर्फेस में नहीं ओपन होगा, वो उसके सर्फेस के अबव ओपन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, और वो भी बताया गया है। और साथ साथ में इसमें हमने अभी तक क्या किया है, सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको मेज़र कर लिया। अब हमें सॉल्वेंट का पता चल गया और सोल्यूशन का पता चल गया। अब जब दोनों ही चीज़ पता चल गई है, तो हम लोग इसका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है टी एस माइनस टी नॉट। ठीक है, जिससे हम लोग डेल्टा टी बी निकाल लेंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ कमी है, जिसको यहाँ पर इम्प्रूव किया गया, क्वार्टर्स ऑपरेटर्स में इम्प्रूव किया गया। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर ब्रांचेस ली गई हैं। ठीक है, जिससे कि कारण यहाँ पर ग्रेजुअली हीटेड हो सके, मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि दोनों तरफ से हीटेड हो सके। और यहाँ पर एक हॉलो स्टॉपर का यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडेंसर है उसका डायरेक्टली कांटेक्ट ना हो पाए इस थर्मामीटर से, जिसके कारण वहाँ पर टेम्परेचर मेजरमेंट में कुछ भी इरर ना रहे, इसलिए हॉलो स्टॉपर से इसको प्रोटेक्ट किया गया, जिसके कारण कंडेंसर डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो सके, और साथ साथ में यहाँ पर ग्रेडली हीटेज हो सके। तो वहाँ पर ब्रांचेस का, इन्वर्टेड फनल में जो स्टेम है उसकी ब्रांचेस का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण ये इम्प्रूव हो गया है ऑपरेटर्स। तो ये मेथड था क्वार्टर्स मेथड, और जिसमें हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।